मेरी पैदाइश पेशावर में थी और पहली एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन भी मेरी वहीं पर हुई। पार्टीशन के बाद हम लोग दिल्ली आए और दिल्ली में फिर मैंने यहाँ कॉलेज एजुकेशन यहाँ पे की, सेंट स्टीवेंस कॉलेज। एजुकेशन के बाद तो नौकरी, जो आपको नौकरी मिलती है वही नौकरी आप करते हैं, पर उस समय तो बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं था जितना आजकल स्कोप है। तो मैं खुशकिस्मत था, मुझे कैलटेक्स एक मल्टीनेशनल कंपनी थी, उसमें एक सुपरवाइजरी ग्रेड में मुझे नौकरी मिली। तो मैंने 2 साल के करीब कैलटेक्स में काम किया और उसके बाद मैंने कंपटीशन में हिस्सा लिया और मुझे ये तो सब सर्विसेज का कंबाइंड एग्जामिनेशन होता और मुझे आईपीएस ऑफर हुआ, तो मैंने आईपीएस स्वीकार किया। मुझे तो कुछ ज़्यादा इल्म था नहीं, ना पुलिस के बारे में ना आईपीएस के बारे में। देखिए, ये ऑल इंडिया सर्विस है और आपको कार्डर अलॉट होता है और मुझे वेस्ट बंगाल कार्डर अलॉट हुआ। तो मैंने पहले 7-8 साल वेस्ट बंगाल में गुजारे और वहाँ पे मेरी जो लास्ट पोस्टिंग थी वो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस कलकत्ता थी। और वहाँ से फिर मैं ऑन डेपुटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में आया और सेंट्रल गवर्नमेंट में दिल्ली का कोई अलग-अलग कार्डर उस समय नहीं था और मुझे दिल्ली पुलिस में भेजा गया और मैं यहाँ पे एसपी सिटी बन के आया। उसको एसपी नॉर्थ कहते थे उस वक्त। दिल्ली तो छोटी थी, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी दिल्ली पुलिस तो थी नहीं, तो सारी दिल्ली को 3 हिस्सों में बटा हुआ था और एसपी सिटी को एसपी नॉर्थ कहते थे और मैं उसका एसपी बन गया। देखिए, बंगाल कलकत्ता उस वक्त कॉर्पोरेट इंडिया का सबसे बड़ा शहर माना जाता था, तो केवल ये वेस्ट बंगाल की राजधानी नहीं थी बल्कि हिंदुस्तान का कॉर्पोरेट कैपिटल भी था। तो बहुत महत्वपूर्ण जगह जगह थी और स्पोर्ट्स सिटी था, वहाँ पे फुटबॉल का भी ये घर माना जाता है। कल्चरल सिटी भी है, आपका रविंद्र संगीत और दूसरी आर्ट और आर्टिस्ट के लिए बहुत ही मशहूर जगह है। तो मेरे लिए बहुत गौरव था कि मुझे कलकत्ता में सर्व करने का मौका मिला। अब जब आप पुलिस में तो लॉ एंड ऑर्डर समस्याएं तो आएंगी, तो केवल कलकत्ता में नहीं बल्कि सारे बड़े शहरों में समस्या होती हैं। लेकिन ये कहना कि कलकत्ता एक लॉलेस सिटी थी और बाकी सिटीज़ के मुताबिक बहुत ख़राब थी, ये कहना ठीक नहीं होगा। नहीं, बाकी जगह हालात कौन से अच्छे हैं आजकल, आप दिल्ली के आसपास देखें तो यूपी वगैरह में कौन से बहुत अच्छे हालात हैं। तो ये मीडिया का किया हुआ है कि बंगाल को एक बदनामी दी हुई है, ऐसी बात नहीं। देखिए, जब मैं एसपी था तो उस समय जो समस्याएं थी, उन दिल्ली की समस्याएं और बाकी जगह की समस्याओं में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, फर्क नहीं था। जो क्राइम थे, पिक पॉकेट्स, बर्गलरी, रॉबरीज, हाईवे रॉबरी, गैम्बलिंग, इलिसिट लिकर, तो ये सारी चीज़ें जो बाकी शहरों में हैं वही दिल्ली की समस्याएं थी। तो उनको टैकल करना को बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो अब आया है, ट्रैफिकिंग इन चिल्ड्रन, ट्रैफिकिंग इन वेमेन और बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम, इकोनॉमिक क्राइम, सैकड़ों करोड़ों का स्कैम्स, तो ये सारी चीज़ें उस वक्त नहीं थी। उस वक्त अगर भ्रष्टाचार भी था तो बहुत नीचे दर्जे का भ्रष्टाचार था। जो किसी ने ब्राइब ली तो पुलिस वाले ने भी अगर ब्राइब ली तो 10 रुपये 30 रुपये, इस तरह की ब्राइब ली थी। अब तो जो पुलिस के रैकेट भी हैं वो गैम्बलिंग डेंस या इलिसिट लिकर के नहीं है, अब वो जो अनऑथराइज लैंड के ऊपर कंस्ट्रक्शन कराना, लैंड यूज़ को चेंज करना और बड़े बड़े जो इस प्रकार के स्कैम्स हैं
उनमें हिस्सेदारी रखनी, तो ये सारी चीजें अब बदल गई।